एंड आई वेलकम यू टू दिस अनदर वीडियो. मैं आप सभी का एक और वीडियो में स्वागत करता हूं. आप देख रहे हैं अनअकैडमी सेपियंस और आज मैं आपके लिए लाया हूं एक नया बैच का इंट्रोडक्शन. राइट, आज हमारे साथ हैं आशीष दीवान बाबा सर, प्रदीप चित्तोरा सर, अमित राणा सर, एस के सिंह सर. सो दीज ऑल आर मास्टर्स फॉर द प्रेपरेशन ऑफ नीट एंड आई हैव ब्रॉट देम टुडे विद मी इन दिस वीडियो सो दैट हम उनसे समझ पाए कि जो इनके नया बैच आ रहा है, अपकमिंग बैच जो है, इसकी क्या वैल्यू ऑफरिंग है, ये कैसे स्टूडेंट्स की बेहतरी में मदद कर सकता है और स्टूडेंट्स का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए. तो मैं आपको बताना चाहूंगा, बैच का नाम है मास्टर्स इन न्यूमेरिकल्स एमसीक्यूज एंड डायग्राम्स विद एक्सपर्ट्स. तो जैसे द नेम सजेस्ट, जैसा नाम बताता है आपको, ये बैच जो हमारा प्रैक्टिस ओरिएंटेड रहेगा. आप हर जगह देखते हैं थ्योरी हर जगह पढ़ाया जाता है, कॉन्सेप्ट हर जगह समझाए जाते हैं, बट प्रैक्टिस इज वन थिंग जो आप सभी जानते हैं हमको इस वक्त पे चाहिए. The NEET exam being so close, जब exam हमारा इतना पास है तो हम सभी को समझना चाहिए कि concept के साथ साथ practice भी बहुत जरूरी हो जाती है. तो चलिए एक SK sir से सुनते हैं उसके बारे में. SK sir, welcome to the video. First of all, a small brief आपसे मैं जानना चाहूंगा. मैं देख रहा था आप पहले भी बहुत अच्छे से समझा रहे थे इस बैच के बारे में. अगर आप हम सभी को एक शुरुआत के लिए छोटा सा ब्रीफ दे दें कि मास्टर्स इन न्यूमेरिकल्स एमसीक्यूज एंड डायग्राम्स विद एक्सपर्ट्स, आप बता रहे थे मुझे ड्रॉपर्स बैच के साथ बहुत अच्छे से कंबाइन करके पढ़ा जा सकता है इससे, तो वो आप अगर हमारे लर्नर्स को कुछ बेहतर बता पाए. एसके सर, देखिए, थैंक यू सो मच. माय सेल्फ इज डॉक्टर एसके सिंह. आई डन माय एमबीबीएस फ्रॉम मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज. इतने बड़े जगह से एमबीबीएस करने से और जहाँ मेरा जर्नी रहा प्रिपरेशन से, मुझे एक चीज हमेशा से याद रहता है कि आप देखिए, दो चीजें होती हैं प्रिपरेशन में. एक रहता है कि द कंसेप्ट बिल्डिंग एंड दूसरा होता है कि द प्रैक्टिसिंग, और ये दोनों ही बिल्कुल पैरेलल चलना चाहिए. अगर आप कंसेप्ट को बढ़ाते गए और प्रैक्टिस ना करें तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कमी रह जाएगा और ये कमी जो है पूरा आपको डाउन ले जाएगा. मतलब अगर आप नीट 2020 का एस्पिरेंट है, 2021 है या 2022 है, तो बिल्कुल डाउन आ जाएंगे आप. ये दोनों को पैरेलली रखना बहुत जरूरी है. तो इसका हमारा मेन उद्देश्य ये था कि हमारा एक अभी ड्रॉपर बैच है और हम सब ड्रॉपर बैच में भी हैं. तो ड्रॉपर बैच हमने स्टार्ट किया था और ड्रॉपर बैच में हमने जो स्टार्ट किया था उसका मेन मोटिव था कि आपको एक साल के अंदर अंदर पूरा 11th और 12th का एक बेसिक और बेहतरीन कंसेप्ट को हम डिलीवर कर पाए, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो हो. तो हमारा ड्रॉपर बैच अनअकैडमी के ऊपर बहुत ही बेहतरीन बैच है और बहुत सारे लर्नर आते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं और फीडबैक बहुत ही बेहतरीन है. हमें बीच में रियलाइज हुआ कि आप थ्योरी को तो इम्प्रूव कर रहे हैं बट कहीं ना कहीं हम प्रैक्टिस को लैक कर रहे हैं. तो हमने एक प्रैक्टिस बैच यहाँ पे लॉन्च किया जो 20 तारीख से आ रहा है. और इस बैच में बेसिकली वी फोकस ऑन द न्यूमेरिकल. जैसे जब मैं एग्जाम देता था तो आशीष सर हंस रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि फिजिक्स से बहुत डर लगता है. जितने भी नीट एस्पिरेंट है फिजिक्स से बहुत डरते हैं. और कहीं ना कहीं क्या होता है कि अगर आप 45 क्वेश्चन फिजिक्स में आता है, उस 45 में 30 प्लस न्यूमेरिकल बेस रहते हैं. थ्योरी तो मतलब फिजिक्स में होता ही नहीं है. केमिस्ट्री की बात करें तो मुझे लगता है कि फिजिकल केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस, द एमसीक्यू न्यूमेरिकल बेस रहता है. और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑल अबाउट द रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन एंड ऑल. तो इसके लिए बट न्यूमेरिकल और केमिकल रिएक्शन के लिए आपको थ्योरी स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप प्रैक्टिस कर पाएंगे. तो ड्रॉपर बैच और इस बैच से कनेक्शन ये है कि ड्रॉपर बैच में आप आके बेहतरीन कंसेप्ट सीख सकते हैं और इस बैच में आके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. जैसे मैं डॉक्टर हूं तो जैसे पोलियो का जब ड्रॉप पिलाया जाता है तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन है, दो बोल जरूरी है जिंदगी के लिए. ठीक उसी प्रकार अगर आपको नीट को क्रैक करना है तो ये दो बैच आपके लिए बहुत जरूरी है. अमेजिंग, अमेजिंग. अगर अमित राणा सर से अगर मैं पूछना चाहूँ, सर वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल टू द वीडियो, आप अगर थोड़ा सा कुछ इंट्रोडक्शन बताना चाहें और फिर अपने ओपिनियन में अपने सब्जेक्ट के बारे में कि कैसे उस इस बैच में वो सब्जेक्ट अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा. हाय गाइस, मायसेल्फ एआर सर अमित राणा सर एंड आई हैव 19 ईयर एक्सपीरियंस, डन बीटेक फ्रॉम एमएनआईटी जयपुर. और लंबे एक्सपीरियंस में मैंने ये सीखा है कि फिजिकल केमिस्ट्री टफ बच्चों को लगता है बट उतना टफ है नहीं. जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताऊं, जैसे सॉलिड स्टेट का टॉपिक मैं फर्स्ट लेने वाला हूं, उसमें बच्चों का बहुत कॉमनली डाउट आता है कि सर हमें ये चीज विजुलाइज नहीं होता है. तो मैं कंप्लीटली एनिमेशन से
सॉलिड स्टेट कंप्लीटली विजुलाइज करवा के बच्चों के सारे कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर कर देता हूँ। ऐसे ही बच्चों का मेटलर्जी में डाउट आता है कि यहाँ हमें डायग्राम वाइज दिक्कत आता है, तो स्पेशली वो जो चीज हम क्लासेस में कवर नहीं कर पाते हैं बहुत डिटेल में, वो प्रैक्टिस के थ्रू, एनालिसिस के थ्रू, एनिमेशन के थ्रू और कुछ नॉमिनिक्स बनाएंगे हम, ट्रिक्स बनाएंगे जिसको फॉर्मूला बहुत इजीली यहाँ पे रिकॉल कर सकते हैं, तो फॉर्मूला बहुत जल्दी हमें याद हो जाता है। तो ये बहुत सिंपल हमारे पास एक मेथड है जिसके थ्रू हम यहाँ पे अपनी फिजिकल केमिस्ट्री और इनॉर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। स्पेशली इनॉर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों का डर होता है ब्लॉक्स के लिए, एसपी पीएफ ब्लॉक्स के लिए, वो पूरा डर जो है ना ट्रिक से निकाल देता हूँ। जैसे मैं बहुत नेमोनिक्स बनाता हूँ, कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स पे ट्रिक्स बना के, एग्जाम्पल जैसे नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड हैं, उस पे ट्रिक्स बना रखा है, दे आर 5 पांडव, और उस ट्रिक्स के अकॉर्डिंग उनकी सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इस तरह से एक लॉजिकल अगर हम तरीके से वहां पे चलें एग्जाम्पल के साथ में और याद करने के तरीके से, तो बच्चों को ऐसा फील होता है कि क्लास में ही सब कुछ याद हो जाता है। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है कि क्लास में ही बच्चों को सब कुछ याद हो जाए, और प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग, आप ये देखो कि नीट में आपका स्कोर कितना हाई जाता है, फर्स्ट रैंकर 702 लेके आ रहा है, 700 से ऊपर लेके आ रहा है, और अंडर 100 रैंक जो है ना 680 पे खत्म हो जाती है। इतना टफ कॉम्पिटिशन जो है वो क्यों है, क्योंकि बच्चों की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है। तो मैं बच्चों को यही कहना चाहूंगा, केवल थ्योरी से हम अंडर 100 रैंक नहीं बना पाएंगे, हमें थ्योरी के साथ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस चाहिए जिससे हम 680 प्लस का टारगेट लेके चलें और हमें अंडर 100 की तरफ शिफ्ट होना है। ये तभी पॉसिबल है जब हमारे ये दोनों बैच बच्चे ज्वाइन कर पाएंगे। अमेजिंग अमेजिंग। सो अब वी अगेन हमने उस बात पे एम्फसाइज किया कि देखिए एक बैच ये भले ही प्रैक्टिस के लिए है, बट आपको साथ साथ अगर आप थ्योरी भी जानना चाहते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, जो एसके सर और अमित सर ने दोनों ने बताया, तो आप दोनों बैचेस को साथ लेके चले, राइट। सबसे बड़ी रिकमेंडेशन जो अभी निकल के आ रही है कि साथ लेके चले, आपकी प्रैक्टिस भी होगी, आपकी थ्योरी भी कवर होगी, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। चलिए आशीष सर से पूछते हैं। आशीष सर वेलकम, एंड आपसे अब हम अगर थोड़ा सा जान पाए कि कैसे ये बैच हमारा इंप्रूवमेंट में मदद करेगा, बेहतरी में मदद करेगा। बिल्कुल। हेलो हेलो गाइस, मेरा नाम है आशीष दीवान, मुझे बाबा सर के नाम से भी जाना जाता है। मुझे फिजिक्स पढ़ाते हुए 23 इयर्स हो गए। मैं एलएम कोटा और कैरियर पॉइंट कोटा दोनों में एचओडी रहा हूँ, मतलब बहुत एक्सपीरियंस रहा हुआ है। और मैंने जनरली देखा है नीट का जो बच्चा है फिजिक्स का नाम सुनते ही उसको बुखार चढ़ जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो डरता है, जो टॉपर होता है उसको भी लोग ऐसा डरा देते हैं, ऐसा फोबिया क्रिएट कर देते हैं कि बेचारा डरता रहता है। और वजह सिर्फ एक ही होती है, बच्चे के बेसिक बड़े ही कमजोर होते हैं। 10th तक बच्चा होता है, तब तक तो मुझे ऐसा लगता है, मैं भी ऐसा ही था, 10th तक बच्चा हर चीज रट लेता है, फिजिक्स है तो रट ली, बायो है तो रट ली, केमिस्ट्री है तो रट ली, तो और कैसे भी मार्क्स आ जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर भी बेचारा बहुत लिबरल होते हैं, उनको मैं थैंक्स देता हूं, जो बच्चों को बड़े आराम से पास भी होने देते हैं। लेकिन बच्चे का जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। उससे क्या होता है, जैसे देखो मैं 11 से शुरुआत करता हूँ, बच्चा क्या करता है, पूरी फिजिक्स पढ़ डालता है, पूरी फिजिक्स चार्ट डालता है, लेकिन उस बच्चे को वेक्टर भी नहीं आता है। और जब तक उसको वेक्टर नहीं आएगा, जैसे देखो फिजिक्स का हार्ट है वेक्टर, हमारा हार्ट है, और फिजिक्स में जो हार्ट है वो है वेक्टर, हर एक जगह उसका कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, हर एक जगह डायरेक्शन आती है। पहला काम वेक्टर, दूसरा मैंने देखा है 7th क्लास में बच्चा पढ़ के आता है न्यूटन इक्वेशन, पर बच्चों आप जब भी अप्लाई करते हो बच्चा बड़ा खुश होता है कि यार 11 बड़ी आसान है, न्यूटन इक्वेशन ही तो है यार, 3 इक्वेशन है अप्लाई कर देंगे। लेकिन बेचारा जैसे ही सॉल्व करना शुरू करता है वो डायरेक्शन में उलझ जाता है, तो उसको समझ में नहीं आता क्या करूं। और फिर बच्चा क्या हिट एंड ट्रायल लगाता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इस पर टिक मारना है, और अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा इस पर टिक मारना है, और उस पर ऊपर लिखा हुआ और होता है MTR, मुझे तो रट लो। पर मुझे नहीं लगता कि ऐसे रटने से कोई पार पड़ती होगी। मतलब मैं ये मानता हूँ कि कंसेप्ट बिल्डिंग है, अगर आप न्यूटन इक्वेशन को भी हमारी तरह से वेक्टर फॉर्म में लिख के करें तो मैं चैलेंज देता हूँ, ना तो आपका कभी वन डायमेंशन खराब होगा, ना आपकी कभी मैकेनिक्स खराब होगी, ना आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक खराब होगी। मतलब मेरा कहने का मतलब एक ही है कि सारा का सारा जो ओरिजिनल देसी लैंग्वेज में कहें तो पूरा का पूरा जो ठीकरा है वो वेक्टर पे ही आकर फटता है, और उसी को हम छोड़ के जाते हैं। और बच्चे को कोई भी, अगर मैंने देखा है कई जने गुमराह करते हैं, यार ये तो बेसिक है यार, साथ साथ आता रहेगा, कहीं भी कर लेंगे, जबकि वेक्टर को मैथ्स के हिसाब से नहीं पढ़ाकर हम पढ़ाते हैं बिल्कुल फिजिक्स की एप्लीकेशन में,
फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर फोर्स भी कोई समझे, बच्चों को नहीं आता फोर्स क्या होता है, तो उसको हम क्लास में एग्जाम्पल देते हैं कि बेटा देखो एक सिंपल सा एग्जाम्पल, मैं आपके सामने हूँ, वैसे ऐसा हिंसात्मक कोई डायलॉग नहीं देना चाहिए, पर भगवान माफ करे और सारे व्यूअर्स में हमसे पहले से ही क्षमा मांगता हूँ इस एग्जाम्पल के लिए, पर फील ये तभी होगा, जैसे देखो मैं यहाँ बैठा हूँ और कोई भी चीज या कोई रॉड मेरे यहाँ पर आकर सीधे लग गई, तो आप खुद देखो क्या गजब इम्पैक्ट आएगा, और यही अगर मैं किसी एंगल पर इसको अप्लाई करता हूँ तो इम्पैक्ट कम आएगा, तो ये वेक्टर ही तो है। अब अगर फोर्स को याद कर रहा है, यही बच्चा अगर फील कर ले कि यार डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहा तो मजा अलग आ रहा है, देख लो ना मुझे कितना मजा आ रहा था, और अगर ऐसे आया तो मुझे भी ऐसा मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, क्यों? क्योंकि जो उसकी स्ट्रेंथ है वो कम हो गई, यानी ये क्या है, वेक्टर। सिमिलरली एक फेजर डायग्राम होता है हमारे यहाँ पर, उसमें बच्चा इतना उलझता है और तीन चैप्टर बेचारे के खराब हो जाते हैं, एक तो उसका SHM, एक उसका वेव और एक उसका अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि बीच बीच में इक्वेशन आती है, फेजर डायग्राम आता है और बच्चा क्वेश्चन ही सोल्व नहीं कर पाता, और बाद में वो जो भी बेचारा टीचर होता है वो बलि का बकरा बनता है, तो वो मास्टर को जो जो अच्छा अच्छा कह सकता है वो सब कुछ एग्जामिनेशन हॉल में कह देता है, मास्टर आपका, मास्टर आपकी, मतलब जो भी वो कहना चाहता हो। पर आप देखो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये क्लियर होने बहुत जरूरी है, तो मेरा ये मानना है जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, राणा जी ने बताया, और हमारे अभी प्रदीप सर जो बहुत अनुभवी है वो भी आपको बताएंगे कि थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल का तड़का, तभी आप देखो हमारा हर एक लॉजिक फड़का, अगर ये दोनों नहीं है तो बच्चों मुझे नहीं लगता कि हमें आगे सोचना भी चाहिए, चाहे कोई सा भी कॉम्पिटिशन हो, तो मेरे हिसाब से आपको ये दोनों बैचेस ज्वाइन करने चाहिए, और हिंदुस्तान की टॉप मोस्ट फैकल्टी है जो आपको पढ़ाएगी, और मेरा ऑफलाइन में इतना एक्सपीरियंस है, पर ऑनलाइन में भी ये जो बैच आ रहा है ये ऑफलाइन से बहुत बढ़ के है, और मुझे नहीं लगता कि इतना अनुभव किसी के पास होगा जो आपको ये बात इतनी आराम से बता सकता हो कि ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा, ना मैंने ऐसा किया, कि एक बैच थ्योरी भी हो, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी हो, प्लस एक बैच उसी से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल भी मिले। हैट्स ऑफ है भाई अनअकैडमी को, मैं बहुत बहुत थैंक्स देता हूँ, और हमारे साथ जो मेरे इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर SK सिंह सर, अमित राणा जी, प्रदीप चित्तोड़ा जी और समन्वय सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और सैल्यूट है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर दोस काइंड वर्ड्स। बहुत बेहतर तरीके से सर ने आज यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया हमारे लिए कि दो बैच क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है प्रदीप सर, आप वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल, आप थोड़ा सा अगर आप थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दें एंड आपका आपके सब्जेक्ट का एक एग्जाम्पल हमें बता दें। थैंक यू सो मच समन्वय। सबसे पहले बच्चों मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, खास करके उन बच्चों को जो हो सकता है मुझे यूट्यूब पर पहली बार देख रहे हों। मायसेल्फ प्रदीप चित्तोड़ा, पिछले 18 सालों से मैं प्री मेडिकल की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हुए आ रहा हूँ। इन 18 सालों के अंदर कोटा से ही बिलोंग करता हूँ, तो मैंने कोटा के अंदर एलन केरे इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है, केरे पॉइंट कोटा में पढ़ाया है, और अचीवर केरे इंस्टीट्यूट ऑफलाइन जो कोचिंग प्रोवाइडर है वहां पर मैं एज अ डायरेक्टर वर्क कर रहा हूँ। बच्चों देखिए, ये वाला जो कोर्स है, इस कोर्स को लेकर के मैं एक्सट्रीमली एक्साइटेड हूँ, क्योंकि बच्चों आप ही ने मेरा नाम रखा हुआ है क्वेश्चंस मशीन, और उसी क्वेश्चंस मशीन को ये वाला जो कोर्स है जस्टिफाइड करता है। क्योंकि देखिए बच्चों, मैं अगर सब्जेक्ट स्पेसिफिक बात आपको बताऊं तो देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेजर जो पार्ट होता है वो होता है रिएक्शंस वाला, और आप सबकी जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो होती है आप लोग रिएक्शंस को याद करना चाहते हैं, रटना चाहते हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों रिएक्शंस को आप याद नहीं कर पाओगे। तो बच्चों ये जो कोर्स है, इस कोर्स के अंदर हम लोग बहुत ज्यादा रिएक्शंस की डिटेलिंग पे, मैकेनिज्म पे बात नहीं करेंगे, हम लोग इसमें मेनली बात करेंगे बच्चों फ्लो चार्ट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई भी टॉपिक है, मान लीजिए आप इथेनॉल पढ़ रहे हैं, तो इथेनॉल की जो प्रिपरेशन है उसको फ्लो चार्ट बना करके आपको बताया जाएगा। जितनी भी रिएक्शंस हैं, चाहे उसमें OH बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, चाहे उसमें CO बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, चाहे उसमें E1, E2, SN1, SN2 टाइप के रिएक्शंस हैं, उन सबको हम लोग फ्लो चार्ट बना करके बताएंगे। तो थ्योरी को बिल्कुल कॉन्साइज वे में लेंगे, फ्लो चार्ट पे मेनली फोकस करेंगे, और मेनली हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस। बच्चों इतने ऑसम क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में आते रहे हैं, उन ऑसम क्वेश्चंस को बहुत ही बखूबी से यहाँ पर डिजाइन करके दिया जाएगा, और बहुत अच्छी तरह से आपको उसका एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। तो मैं तो बस आपको ये अश्योरेंस दिलाता हूँ कि जैसे ही इस कोर्स में आप एंटर होने वाले हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इतनी शानदार टीम, मेरे ख्याल से अनअकैडमी की सबसे बेस्ट टीम है, पूरे इंडिया की सबसे बेस्ट टीम है जो एक साथ आपको मिलने वाली है। डॉक्टर SK सिंह सर बायो कवर करेंगे, आशीष दीवान सर फिजिक्स कवर करेंगे,
अमित राणा सर फिजिकल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करेंगे और माई सेल्फ मैं वहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला जो एंटायर सिलेबस है वो आपको कवर करने वाला हूँ. थैंक यू. Amazing. So, in जो all the learners to all the learners जो भी learners आज हमें देख रहे हैं, अगर आपने ये सब नहीं देखा वीडियो पीछे करिए दोबारा सुनिए, नहीं समझ में आया वीडियो पीछे करिए दोबारा सुनिए, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ एक्सपीरियंस बताया गया है मैं खुद ऐसे किसी पैनल में नहीं बैठा हूँ जहाँ इतना सारा एक्सपीरियंस एक बार में मुझे देखने को मिला है. तो आप सभी में जाइए, बैच के लिंक पे क्लिक करिए, उसे देखिए और एक बार आजमा के देखिए, फिर आप अपना डिसीजन लीजिए. आई वोंट से कि आप ब्लाइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसा कुछ करें, आप जाइए अपने आप के लिए देखिए एंड आपको लगता है कि हाँ जो हम आज यहाँ बात कर रहे हैं उसमें 1% भी वैल्यू है तो आप जाके सब्सक्राइब करिए अनअकैडमी नीट सब्सक्रिप्शन के लिए. मैं ये जानना चाहूंगा कि आप सबकी क्या हिदायत रहेगी, क्या एक सलाह रहेगी उन 2020 और 2021 एस्पायरेंट्स के लिए, मतलब एक लाइन में अगर आप उनके लिए एक सलाह कुछ दे पाए कि देखिए मेरे लिए ये रहेगा कि आप 2020 वाले ये करें या 2021 वाले ये करें. तो अगर ऐसी ऐसा कुछ अगर हम आप फैकल्टी पैनल से एक एक कुछ सजेशन ले पाएं तो जो भी लर्नर्स आज हमारे देख रहे हैं उनको बहुत हेल्प मिलेगी समझने में कि व्हाट इज द वे अहेड. तो आशीष सर से अगर मैं पूछना चाहूं, आशीष सर. सर मैं जैसे कोविड अभी हुआ है ऐसी प्राकृतिक आपदा तो आनी नहीं चाहिए, मैं स्पेशली अभी 2020 वाले एक्सपीरियंस को बताना चाहता हूँ. मैं समझ सकता हूँ आपकी जो व्यथा है, आप बहुत परेशान है, मतलब एक ही चीज पढ़ पढ़ के आप भी बोर हो चुके हैं, आपको तो ये लगता है यार अब कब होगा कब होगा कब होगा, इसी क्वेश्चन मार्क में आप जी रहे हैं और इस वजह से कई लोग डिप्रेशन में आ रहे हैं जो आना नहीं चाहिए. मुझे तो ऐसा लगता है कि अब तो आपको ऐसा एफर्ट लगाना चाहिए कि यार टॉप 10 में मैं ही आऊंगा और किसी को आने दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े. आप देखिए अभी ये जो टाइम है, मैं इन शॉर्ट एक चीज तो बोलना ही चाहूंगा, इतना अच्छा बैच आ रहा है आप इसे ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बच्चा अब बिल्कुल लेथार्जिक मोड में आ चुका है, मतलब उसका पढ़ने का तो मन नहीं लगता, किसी से बात करने का उसका मन नहीं होता, वो बेचारा मैसेज भी हम सबको भेजता रहता है कि सर अब मैं क्या करूं मेरे को समझ में नहीं आ रहा. और उसकी व्यथा बिल्कुल सही है क्योंकि वो एग्जाम के लिए बेचारा तैयार बैठा है, पहले तो वो मई में तैयार हुआ, फिर चलते चलते बेचारा जुलाई के लिए तैयार हुआ, अब हालत हो गई है वो सेप्टेम्बर के लिए आ गया. तो उस बच्चे को लगता है यार ये जो इतना लैग पीरियड आ गया उसका मैं क्या करूं. तो बच्चों मुझे ऐसा लगता है कि आप घर पे शायद इतना रिवाइज नहीं कर पाते, आपके मन में अलग अलग प्रश्न आ रहे हैं और जो वास्तव में टॉपर वाली जगह पहुंच चुका है उसके साथ तो और भी बुरा हाल हो गया. तो ऐसे कोर्स को आप ज्वाइन करो जो शॉर्ट भी हो स्वीट भी हो और आपकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी खूब करा दे. और मैं आपको चैलेंज देता हूं, हमसे ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस कोई नहीं बढ़ा सकता, आज की तारीख में तो हम ही आपकी कॉन्फिडेंस की दवाई है. तो आप देख लिए इसे कैसे उपयोग करना है, फैसला आपके हाथ में और देख आप हम सबको सकते ही है. ग्रेट ग्रेट. प्रदीप सर आप क्या सलाह देना चाहेंगे 2020 और 2021 एस्पायरेंट्स को? देखिए दो चीजें हैं जो मैं एडवाइस करना चाहूंगा. सबसे पहले अगर नीट 2020 वाले बच्चों के लिए बात करूं तो देखिए बच्चों आपके पास दो चीजें हैं. पहली चीज मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है. देखिए प्रिपरेशन एक ऐसी चीज होती है जो आपको कभी भी ये रियलाइज नहीं होगा कि प्रिपरेशन पूरी हुई है, पर आप ये अश्योरेंस रखिए कि आपकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है. तो अब मेरी तरफ से जो एडवाइस रहेगा वो रहेगा कि एनटीए ने जो नेशनल टेस्ट अभ्यास लॉन्च कर रखे हैं अपने ऐप पर एज अ फुल सिलेबस टेस्ट आप उनको दीजिएगा. उन टेस्ट को देने के बाद आप अपनी कमियों को वीक एरियाज को रियलाइज करिए और अगर उसमें कोई डाउट्स होते हैं तो हमारे कोर्सेज या क्लासेस की हेल्प लेकर के आप उसको डेफिनेटली फुलफिल कर सकते हैं. और जो 2021 वाले बच्चे उनके पास तो सफिशिएंट टाइम है तो उनके लिए तो एक कोर्स एक बहुत ही ऑसम ऑप्शन है. इस कोर्स के जरिए वो अपनी जो ब्रेन स्टोर्मिंग और क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. एसके सर आप क्या सलाह देना चाहेंगे 2020 और 2021 एस्पायरेंट्स को? देखिए 2020 तो हमेशा आपको जैसे सर ने बताया कि हमेशा एक विवादित बन गया, एक मुद्दा बन गया है कि एग्जाम कब होगा. बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि पता नहीं इस साल एग्जाम होगा या नहीं होगा. बट अपने एक्सपीरियंस से मैं बहुत बार बहुत सारे मेल आते हैं, डायरेक्ट मैसेज आते हैं. बहुत सारे बच्चे का मन में रहता है कि इस बार एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, बट कैंसिल नहीं होगा. उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं. कैंसिल हो जाने पर पूरा हमारा मेडिकल व्यवस्था चरमरा जाएगी. वैसे ही हमारे मेडिकल सिस्टम हमेशा से कमी रहती है और आप सब अब इसके अवेयर हैं. तो एक होता है इंटर्न जो हम MBBS कर लेते हैं, उसके बाद इंटर्नशिप होती है और उसमें हॉस्पिटल में आप समझिए कि 50-60% जो वर्क लोड होता है वो इंटर्न के हाथ में होता है. और एक अगर बैच ना आए तो समझिए कि पूरा का पूरा भारत में मेडिकल व्यवस्था बिल्कुल चरमरा जाएगा. अब देखिए बहुत सारा क्वेश्चन रहता है कि एग्जाम सही समय पे होगा नहीं होगा.
इतना तो मैं आपसे अश्योर करूंगा कि एग्जाम होगा, आज नहीं तो कल एग्जाम होना निश्चित है। खासकर मैं नीट 2020 वालों के साथ कहना चाहूंगा कि देखिए, आपको डिप्रेशन से अगर सिलेक्शन हो जाता तो मेरे बहुत सारे फॉलोअर हैं, मैं आपके लिए प्रे करता कि आप सब डिप्रेशन में आ जाइए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। डिप्रेशन, परेशानी, निराश, हताश से कभी सिलेक्शन होता नहीं है। आपको ये मानना है कि एग्जाम होगा, कभी ना कभी एग्जाम होगा, और जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन हम उस एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे। और इसको आपको हमेशा ही हमेशा मान के चलना चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूँ एज अ डॉक्टर बहुत सारे मानसिक संतुलन खराब हो जाता है, और आप बार बार चीज़ों को, अगर आपसे रोज दाल रोटी खिलाया जाए तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप भूखे सो जाएंगे, आप दाल रोटी खाएंगे। यही हमारे नीट एस्पिरेंट के साथ हो रहा है। तो कोई बात नहीं, आप दाल रोटी खाते रहें, और मतलब कि यही बार बार प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं। इस बैच से इस समय लॉन्च करने का एक उद्देश्य ये था कि अगर आप मतलब कि पूरा एक बहुत बेहतरीन प्रिपरेशन स्टेज में है और आपको लगता है कि यस मेरा इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं चाहता हूँ कि आप सब इस प्रैक्टिस वाले बैच से जरूर इनरोल करिए, क्योंकि सिलेक्शन तो होगा, बट सिलेक्शन एक ऐसे जगह पे होगा जिससे आपको मजा आ जाएगा, फील आएगा। मैं एक चीज और बताना तो नहीं चाहिए, लोग कहते हैं कि MBBS कहीं से मिल जाए कर लेंगे। इस वक्त क्या होता है कि जब हम लोग इंटरव्यू सेक्शन में रहते हैं, आफ्टर द MBBS कोई ज्वाइन करता है हॉस्पिटल में, तो बहुत ऐसे कंडीशन होती हैं जो बेसिक नॉलेज नहीं होता है। ऐसा जरूरी नहीं होता है कि आप MBBS कहीं से कर लें और हमारा एक टैग लग जाए डॉक्टर, ये गलत हो सकता है। डॉक्टर ऐसा नहीं है कि आपको एक डिग्री आपको प्रोवाइड की जाती है, एक डिग्री ऑफर किया जाता है। डॉक्टर का मतलब होता है नॉलेज, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, क्लिनिकल स्किल होना चाहिए। तो बेहतर ये होता है कि अगर आप इस बैच से इनरोल होंगे तो आपका सिलेक्शन तो हो ही रहा है, बट ऐसे जगह से होगा जिससे जहां से आप MBBS करेंगे वो बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होगा, आपके पास एक अच्छा नॉलेज रहेगा, एक अच्छी डिग्री रहेगी। तो ये बैच मिड में स्टार्ट करने का यही हमारा पर्पस था, ताकि आपको एक और ज्यादा एक अपलिफ्ट मिले, एक और ज्यादा बेहतरीन दिशा मिल सके। अमेजिंग, थैंक यू सो मच SK सर फॉर दैट ग्रेट मैसेज। अमित सर कुछ अगर आप बताना चाहें 2020 और 2021 एस्पायरेंट्स के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, नीट 2020 वाले जो स्टूडेंट हैं वाकई में बहुत ही मेंटल प्रेशर से निकल रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि मेंटल प्रेशर सबकी लाइफ में कभी ना कभी आता है। आप एक प्लेयर को देख लें, एक एथलीट को देख लें, एक टीचर को देख लें, एक डॉक्टर को देख लें, तो सबकी लाइफ में मेंटल प्रेशर आता है। और जो मेंटल प्रेशर को थोड़ा सा बियर करके अपनी हिम्मत और कंटिन्यूटी बनाए रखता है वही विनर होता है। अगर आप किसी प्लेयर की लाइफ देखें, एक एथलीट को देखें, सर ने एग्जांपल लिया, बिल्कुल मैं उस पे कुछ ऐड करना चाहूंगा कि 10 प्लेयर अगर रनिंग कर रहे हैं, मैराथन है, उस मैराथन में क्या होता है, लास्ट का जो 1-2 किलोमीटर होता है बड़ा क्रूशल होता है। उसके समय क्या होता है, अगर जो प्लेयर होता है अगर वो थक जाए और वो सोचे कि मैं थोड़ा पानी पी लूं, रेस्ट कर लूं, तो क्या होगा, रिजल्ट पीछे हो जाएगा, हार जाएगा। उस समय वो जिस समय सबसे टायर्ड सिचुएशन में होता है, जिस समय दिमाग बिल्कुल थका होता है, पैर जवाब दे चुके होते हैं, उस समय भी उसे भागना होता है। मेरे को लगता है ये वही सिचुएशन है नीट 2020 वालों के लिए, कि इस समय दिमाग बिल्कुल थका हुआ है, दिमाग ने जवाब दे दिया है, हाथ पैर फूले हुए हैं, लेकिन उन्हें पता है कि जीत तभी मिलेगी जब हम लगातार दौड़ेंगे। और अगर कोई सपोर्ट मिल जाए, अगर उस समय कोई आपको दौड़ते दौड़ते कोई कोई आपको कोल्ड ड्रिंक पिला दे या कोई आपको जूस पिला दे, तो आपकी एनर्जी डबल हो जाती है। हम वही लोग हैं, हम आपके दौड़ में आपके साथ खड़े हैं और आपको सपोर्ट देंगे इस बैच के थ्रू, जिससे आपका ग्लूकोज जो है ना बढ़ जाएगा बॉडी में, आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी और आपकी दौड़ और बढ़ जाएगी। लास्ट के 2 किलोमीटर जो है ना, हम आपको जीत के लिए प्रेरित करेंगे और ये बैच उसी लिए है। तो मुझे लगता है कि ऑसम बैच है, ऐसा बैच मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। मुझे मिलता तो शायद मैं भी बहुत बड़ी रैंक लेके आता। तो जिनको बड़ी रैंक चाहिए और सिलेक्शन चाहिए तो उनको ग्लूकोज चाहिए अभी, और हम सब लोग पूरी टीम जो है उनके लिए ग्लूकोज का काम करेंगे, और ये प्रैक्टिस से वो अपनी एनर्जी इंक्रीज कर सकते हैं। ग्रेट ग्रेट, तो हमने ये समझा नीट एग्जाम एक मैराथन है, 2020 वालों का आखिरी पड़ाव है, 2021 वाले शुरुआत कर रहे हैं। सभी के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ एक बैच के फॉर्म में एक ऑफरिंग है, एक हेल्प है, जो आप आ सकते हैं, अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ इन सभी बैचेस में पढ़ सकते हैं, अपनी नीट की तैयारी बहुत सॉलिड कर सकते हैं। विद दिस नाउ, इसके साथ हम आ गए हैं अपने सेशन के आखिरी पड़ाव पे। आई होप जो भी लर्नर्स आज इस वीडियो को देख रहे हैं आपको इससे मदद मिली हो,
हमने हरदम कोशिश करी है कि हर पॉइंट कवर करा जाए, हर एस्पेक्ट से आपको चीजें समझाई जाए, मोटिवेशन दिया जाए, स्ट्रैटेजी दिया जाए, टिप्स दिया जाए, ट्रिक्स दिया जाए। तो और साथ ही साथ इतना एक्सपीरियंस पैनल जब ये सभी चीजें बता रहा हो तो वो बहुत ज्यादा वैल्यू होल्ड करता है। तो आप सब, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को इस वीडियो को देखने से हेल्प मिली हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग हमारे मास्टर्स के साथ इस बैच का हिस्सा बने, इसी बैच का नहीं ड्रॉपर्स बैच का भी साथ में हिस्सा बने। आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक पे क्लिक करें, उस बैच को गो थ्रू करें और जल्द से जल्द अनअकैडमी को सब्सक्राइब करें। विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। इसी के साथ मैं सेशन के आखिर में आ गया हूँ। एंड दिस इज मी समन्वय, this is Ashish sir, this is Pradeep sir, I have with me SK sir and I have with me AR sir. We from Unacademy wish you all the very best for your 2020 exams. We wish to see you in our batches very very soon. Subscribe to Unacademy now. Long years ago we made a tryst with destiny and now the time comes when we shall redeem our pledge. India will awake to life and freedom. Chal uth ja, let's crack it, zor de laga, let's crack it, khed ko chhod de, let's crack it, raaste mod de, let's crack it, chal uth ja, let's crack it, zor de laga, let's crack it, khed ko chhod de, let's crack it, raaste mod de, let's crack it. Sadhan si hai ye baat, pariksha karni hai pass, rok ke rakhna apni saans, apni ek hi aas, pije sare mantra aur rat le sare formula. लगे ना नहीं है तब तक रेस्ट ना तू ले, तो इस बार तू आड़ दे, 6 फुट अंदर गाड़ दे, आसमां को फाड़ दे, जोर से दहाड़ दे, अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है, जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it, जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा।